किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी के तौर पर आज मास्टर मुजाहिद आलम ने अपना नामांकन पर्चा भरा। इस अवसर पर मास्टर मुजाहिद आलम के साथ जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष प्रोफेसर बुलंद अख्तर हाशमी, MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी के अलावा जनता दल यूनाइटेड के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर नामांकन पर्चा भरने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मास्टर मुजाहिद आलम ने कहा कि जनता हमें विकास के नाम पर वोट देगी। चुनावी मुद्दा विकास है, हम लोग न्याय के साथ विकास के सिद्धांत पर, जो हमारे बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो उनका विकास का एजेंडा पिछले 15 सालों में बिहार में जो विकास कर रहे हैं, उसी एजेंडे को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। अभी बिहार में कानून का राज है, सड़क पुल पुलिया बिजली की व्यवस्था सुधरी है। अगले 5 सालों में हम लोग जिले में उद्योग धंधे स्थापित करेंगे, चाहे मल्टीनेशनल कंपनीज हो, नेशनल हो, और हर खेत में पानी पहुंचाएंगे। यही हम लोगों का मुख्य इशू है, ताकि हमारे जो बिहारी नौजवान हैं रोजगार की तलाश में बाहर में भटकना पड़ता है आने वाले 5 सालों में, उसको बिहार में बिहार विधानसभा से 25 फरवरी 2020 को ही सर्वसम्मति से, सभी दलों की सहमति से एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है विधानसभा में कि बिहार में NRC नहीं लागू होगा और NPR 2010-11 के तर्ज पर। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, एजेंडा नहीं है, इसलिए वो धार्मिक मामलों को यहाँ पर उठाकर सांप्रदायिक स्वार्थ बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। हम लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको एक साथ चट्टानी एकता के साथ विपक्ष के जो है मुहिम को हम लोग नाकामयाब करेंगे, वोट करेंगे। आप देख लीजिएगा जब 10 तारीख को रिजल्ट होगा तब आप देख लेंगे कि क्या वोट करेंगे। विकास के नाम पर वोट करेंगे, नीतीश कुमार के राज में सब बिल्कुल सुख शांति है, सभी जाति धर्म के लोग शांति से यहाँ रहते हैं, यहाँ से ज्यादा शांति और सौहार्द आपको कहीं नहीं मिलना। लेकिन वो सब आप देखेंगे जब रिजल्ट आएगा, वो सब